Assalamu alaikum dear students, hope you all doing well. In previous lecture we have started unit number 4 and discussed about cell. We also study about plant cell and animal. So from this unit our today topic is characteristics of living things. यानी कि आज हम उन characteristics उन qualities की बात करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ living things में होती है, non living things में नहीं होती. और यही characteristics की वजह से living things non living things से differentiate करते हैं. Here are the 7 characteristics which make difference between living and non-living things. And these are need food, respiration, movement, sensitivity, growth, aspiration, and reproduction. Now we discuss all these characteristics in detail one by one. First we start with food. स्टूडेंट हम जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन्हें ज़िंदा रहने के लिए सर्वाइव करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है. आप खाना खाते हैं, अगर आप फुल डे खाना नहीं खाते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे आप वीकनेस फील करते हैं, आपकी बॉडी में मूवमेंट नहीं हो रही होती, आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होती. अगर ये प्रोसेस किसी भी लिविंग थिंग्स के साथ कुछ दिन चले तो उनके लिए फिर सर्वाइव करना मुश्किल होता है. तो हम ह्यूमन जो है हमें फूड की ज़रूरत होती है, फूड से हमें एनर्जी मिलती है. तो फूड हमारे पास आता कहाँ से है, हम अपना फूड प्लांट से लेते हैं और एनिमल से लेते हैं. अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल अपना फूड प्लांट से लेते हैं और कुछ छोटे एनिमल्स को एज अ फूड लेते हैं. अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट में को भी फूड की ज़रूरत होती है, बट प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं और जिस प्रोसेस के थ्रू वो खाना बनाते हैं उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं. फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को जो ज़रूरत होती है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की ज़रूरत होती है. इसके अलावा नेचुरली तौर पर प्लांट में क्लोरोफिल होता है, इसकी वजह से प्लांट्स ग्रीन होते हैं और यही क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है. स्टूडेंट्स ये तो थे फूड के बारे में. नाउ वी कम टू मूवमेंट, यानी कि बॉडी का हिलना. हम जितने भी ह्यूमंस हैं हमारी बॉडी में मूवमेंट होती है डिफरेंट तरह से. हमारी हैंड्स मूव करते हैं, लेग्स मूव करते हैं, हम अपनी नेक को मूव करते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं. तो ये हमारी बॉडी मूवमेंट्स है. इसी तरीके से कुछ मूवमेंट्स एनिमल्स में भी होती हैं. ठीक है, अब एनिमल में भी डिफरेंट तरीके से जो है वो मूवमेंट होती हैं. कुछ एनिमल रन करते हैं, यहाँ पे मैंने एक चार्ट शो किया हुआ जिसमें डिफरेंट मूवमेंट को शो किया है. कुछ एनिमल जो है वो रन करते हैं जैसे कि हॉर्स, टाइगर एक्सेट्रा. कुछ होप यानी कि जंप करते हैं. ठीक है, जैसे डेव वगैरह. कुछ एनिमल जो वाटर में रहते हैं वो ऑब्वियसली स्विम करते हैं जैसे डिफरेंट फिशेस. कुछ जो है वो फ्लाई करते हैं जैसे डिफरेंट बर्ड, पैरट्स, स्पैरो, ईगल एक्सेट्रा. ठीक है, तो मूवमेंट भी होती है. और जो जो एनिमल है वो मोस्टली एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं इन सर्च ऑफ फूड, वाटर, शेल्टर और एंड टू अवॉइड डेंजर. उनकी ये इस तरह से जो मूवमेंट होती है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, उस मूवमेंट को हम कहते हैं लोकोमोशन. ठीक है, अब प्लांट्स का ये तो एनिमल और ह्यूमन की बात होगी. अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स तो अपनी जगह पर खड़े रहते हैं. तो हमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स को मे बी ऐसा लगता हो कि प्लांट्स मूव नहीं करते. पर स्टूडेंट्स प्लांट भी मूव करते हैं, लेकिन वो डिफरेंट तरह से मूव करते हैं. ठीक है, वो अपना खाना क्योंकि खुद बनाते हैं तो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह खाने के ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती. अब कुछ प्लांट जो है वो मूवमेंट शो करते हैं, जैसे कुछ मूवमेंट जो है वो सिर्फ सन की डायरेक्शन में. कुछ प्लांट्स अपनी मूवमेंट सन की डायरेक्शन में शो करते हैं, जैसे सन फ्लावर उसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, सन की तरफ होती है. ठीक है, इसके अलावा अगर बहुत तेज़ हवा चलती है तो कुछ प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं वो उसी के साथ जो है वो मूव करते हैं, जैसे थोड़ा सा एक वेव सी उनमें क्रिएट हो जाती है. ये थी स्टूडेंट्स मूवमेंट. नाउ कमिंग टू थर्ड करेक्टरिस्टिक विच इज़ रेस्पिरेशन. हम ह्यूमंस जो हैं, जो रेस्पिरेशन है वो ह्यूमंस, एनिमल और प्लांट्स तीनों में होती है. अब रेस्पिरेशन में होता क्या है, हम बेसिकली ऑक्सीजन की हेल्प से हमारा फूड जो हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन होता है और इससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और जो वेस्ट चीज़ होती है वो हमारी बॉडी से निकल जाती है. इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन. और रेस्पिरेशन तीनों में होती है, ह्यूमन, प्लांट एंड एनिमल. यहाँ पे प्लांट्स को भी शो किया गया. एनिमल में रेस्पिरेशन में लंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और फिश जैसे कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनमें गिल्स के थ्रू जो है वो सांस लेते हैं और सारे का सारा प्रोसेस जो है वो ऐसे ही होता है. ओके, नंबर 4 है हमारे पास सेंसिटिविटी. सेंसिटिविटी क्या है, लिविंग थिंग्स जो हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनके एनवायरनमेंट में जो चेंज होते हैं उसको रिस्पॉन्ड करती हैं. ठीक है, जैसे कि कुछ एनिमल ऐसे जैसे उन्हें लगता है खतरा महसूस होता है, उन्हें किसी चीज़ से डर लगता है, वो फौरन अपनी जगह से मूव कर लेते हैं, अपनी सेफ्टी के लिए वहाँ से भाग जाते हैं. इसी तरीके से अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हम जैसे ही किसी गर्म या ठंडी, ज़्यादा ठंडी चीज़ को अपना हाथ लगाते हैं तो फौरन पीछे कर लेते हैं.
क्योंकि वो किसकी वजह से सेंसिटिविटी की वजह से, इसकी वजह से हमारी वेदर में जो चेंजिंग्स आ रहे होते हैं हम उनको भी फील कर सकते हैं बिकॉज ऑफ सेंसिटिविटी। अब आप कहेंगे प्लांट्स में सेंसिटिविटी कैसे होती है, क्योंकि उनमें जैसे कोई ऑर्गन नहीं है, कोई स्किन नहीं है, उनमें कोई ऑर्गन्स नहीं होते। तो स्टूडेंट्स प्लांट्स में भी जो है वो सेंसिटिविटी होती है। कुछ प्लांट्स जैसे मैंने यहाँ पर एक पिक शो की है, ठीक है, इन प्लांट्स में भी सेंसिटिविटी है क्योंकि ये इनको हम कहते हैं मीमोसा प्लांट्स। अगर आप इनको कोई भी टच करें तो ये टच होने की वजह से इनके जो लीव्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स में भी सेंसिटिविटी होती है। इसके अलावा इंसेक्ट्स हैं वो लाइट से दूर मूव करते हैं, जैसे कि कॉकरोच, कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो लाइट के आसपास ही मूव करते हैं, ठीक है। तो इनमें भी मूवमेंट होती है। ग्रोथ, हम जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम बड़े होते हैं। जैसे पहले आप बहुत छोटे बेबीज थे, अब आप थोड़े बड़े हो गए, अब आपकी हाइट है, फिर कुछ आफ्टर सम ईयर आप और बड़े हो जाओगे, आपकी हाइट और इंक्रीज हो जाएगी। तो इनका जो ग्रोथ है वो हम ह्यूमंस में भी होती है, इन द सेम वे एनिमल्स भी ऐसे ही होते हैं, और प्लांट्स में भी ग्रोथ होती है। पहले जो प्लांट्स हैं बहुत छोटे होते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते हैं, कुछ इतने बड़े होते हैं कि बहुत बड़ा ट्री बन जाते हैं। तो प्लांट तीनों लिविंग थिंग्स में ग्रोथ होती है, ग्रोथ नॉन लिविंग थिंग्स नहीं होती। ओके, अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे एक नई लाइफ बनती है, जो लिविंग थिंग्स होती है वो अपनी कॉपीज बनाती हैं। अब ये रिप्रोडक्शन जो है वो एनिमल्स में भी होते हैं, ह्यूमंस में भी होती है और प्लांट्स में भी होती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एनिमल्स की बात करें तो जैसे आप ये देखें, एक एग से लार्वा, लार्वा से पोपा, पोपा से एक अडल्ट बटरफ्लाई बनती है, और फिर बटरफ्लाई के एग की वजह से मजीद जो है वो न्यू बटरफ्लाइज बनती हैं, ठीक है। इसी तरीके से प्लांट्स हैं, प्लांट्स में क्या होता है, एक सीड से एक प्लांट ग्रो करता है, उससे फ्लावर ग्रो करता है, फ्लावर से जो है वो फूड प्रोड्यूस होता है, फूड से जो है वो फिर से हमें सीड मिलते हैं, ठीक है। अब इसी सीड्स की वजह से जो है वो नए प्लांट जो है वो ग्रो करती है, यानी कि एक प्लांट अपनी कॉपीज बनाता है, एक एनिमल है उसकी फिर से कॉपीज बनती हैं। तो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस इस तरह से कंटिन्यू रहता है। ओके, लास्ट स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सक्रीशन। हमारी बॉडी से जितनी भी जो है वो वेस्ट चीज़ें निकलती हैं उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एक्सक्रीशन। जैसे बहुत हॉट वेदर में आपको स्वेटिंग होती है, जैसे आजकल का वेदर है तो बहुत स्वेटिंग होती है, हमारी बॉडी से वाटर निकलता है, एक्स्ट्रा सॉल्ट निकल जाता है। तो ये वेस्ट चीज़ें जो हमारी बॉडी से निकल जाती हैं इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन। सेम चीज़ एनिमल के साथ भी होती है और इवन प्लांट में भी एक्सक्रीशन होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक पिक शो की है जिसमें उसके कुछ पार्ट में से एक्स्ट्रा सॉल्ट और एक्स्ट्रा वाटर जो है वो बाहर आ रहा है। तो ये जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है ये प्लांट्स में भी होता है, जिसमें इससे हम ये कह सकते हैं कि एक्सक्रीशन तीनों लिविंग थिंग्स में होती है और इसमें जो वेस्ट चीज़ें हैं वो हमारी बॉडी से निकल जाती हैं। तो स्टूडेंट ये तो था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने लिविंग थिंग्स की करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया। होपफुली इससे जो ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा और यहाँ तक आपको जो प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व हो गई होंगी। तो स्टूडेंट इससे आगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अंटिल बी स्टे एट होम एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।